एमपी तक एमपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। भोपाल के लाऊखेड़ी में हुए एक हादसे से सनसनी फैल गई है। यहां सीवेज टैंक से एक इंजीनियर समेत दो लोगों के शव मिले हैं। माना जा रहा है कि दोनों की मौत जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से हुई है। इस सीवेज लाइन की देखरेख अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी के इंजीनियर और एक मजदूर इस सीवेज लाइन को देखने के लिए पहुंचे थे और वो सीवेज पाइप में घुस गए। इस हादसे का खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने सीवेज पाइप के होल के पास पड़े उनके जूते को देखा, जिसके बाद तत्काल इसकी खबर पुलिस को दी गई। बाद में पुलिस ने दोनों के शवों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी तक जानकारी मिली है हमको इस मौके पे। सर एक इंजीनियर अभी आधे घंटे पहले घटना। सर एक इंजीनियर बताया जा रहा है कि इंजीनियर था दीपक कुमार, जान बचाने के लिए कूदा था वो मजदूर की। अभी पूरी सब जांच में पहलू है, जांच कर रहे हैं जो सामने। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कमिश्नर एवं निगम प्रशासक गुलशन बामरा को मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।